हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होगे, पढ़ रहे होगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास सीधे सीधे आपके आठ नंबर को टिक करती है, आठ नंबर को हिट करती है। तो आठ नंबर बड़ी ही सरलता से आप पा सकते हैं। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। तो रैखिक प्रोग्रामन, जैसा कि नाम है, लास्ट चैप्टर आता है ये प्रोबेबिलिटी से पहले। लगभग सभी बुक्स इसको प्रोबेबिलिटी से पहले लास्ट चैप्टर में रखती हैं, सेकंड लास्ट होता है ये, और हम घबराते हुए बहुत हैं क्योंकि हमने अभी तक इक्वालिटीज पढ़ी है। इनइक्वालिटीज देखते ही हमारे हाथ पांव खड़े हो जाते हैं। इनइक्वालिटीज अर्थात इस तरीके के साइन अगर हम देखते हैं कहीं पर, तो इस तरीके के साइन से हमें बड़ी घबराहट होती है कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो आइए इस टाइप के कुछ सवाले देखते हैं। और इन सवालों पर चूंकि बहुत क्लास को लंबी नहीं करनी है, हमें एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करनी है, तो इस एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से हम चलते हैं और यहां पर क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में इस तरीके से मिलेंगे, ये क्वेश्चंस हमने एग्जाम पेपरों से कलेक्ट किया हुआ है। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां पर कहता है कि जेड बराबर 3x प्लस 9y, जेड इक्वल 3x प्लस 9y का अधिकतमीकरण बताइए, अधिकतम मान। और यहां पर जो व्यवरोध है वो व्यवरोध है हमारे x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल 60 और x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 10। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो इस व्यवरोध को हम शर्त भी लिख सकते हैं। इन शर्तों के हिसाब से हमें मान का अधिकतम मान निकालना है, और वो भी आलेखन विधि से, ग्राफीय विधि से। तो बड़ी सहूलियत के साथ आप समझ लीजिए, यहां पर आपको दो समस्या दी गई है, दो शर्तें दी गई हैं कि पहला मान x, पहला चर x और दूसरे चर y का तीन गुने का जो योग है वो हमेशा 60 से छोटा या 60 के बराबर रखना है। इससे अधिक मान आप चयन नहीं कर सकते, और पहले चर और दूसरे चर का योग जो है वो 10 से कभी कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों शर्तें आपको कंटिन्यू पूरी करनी है, और x और y का मान छोटा नहीं हो सकता 0 से, और इसके साथ z का मैक्सिमम मान बताइए कि किस स्तर पर हमें अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण एक से, यहां पर इसे हम समीकरण एक डिसाइड कर देंगे, और ये जो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 है इसे अलग लिख देते हैं। ये कंडीशंस, ये हो गया आपका समीकरण एक और ये हो गया समीकरण दो। तो समीकरण एक से इसे इक्वालिटीज में लाएंगे, माने x प्लस 3y इक्वल 60, ठीक है। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल 0, ग्राफ बनाने के लिए x इक्वल 0, माने इस समीकरण में x का मान 0 करेंगे। ये एक रैखिक समीकरण है, और यह रैखिक समीकरण हमें एक रेखा देगा। तो इस रेखा को पहले हम डिफाइन कर लेंगे, तो 0 प्लस 3y इक्वल 60 हो गया, देन y इक्वल 60 बाई 3 इक्वल 20 मिल गया। तो यहां पे और उसके बाद y इक्वल 0 कर देंगे, तो y इक्वल 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 60, देन x इक्वल 60। अब यहां पे एक टेबल बनाएंगे हम, और ये जो टेबल होगी यहां पर दो वैल्यू पुट होगी हमारी x y। अब यहां पर आपने x को 0 रखा है तो y कितना है, 20 है, और जब y को आपने 0 किया तो x कितना है, 60 है। अब फिर लिखेंगे समीकरण दो से, सेम प्रक्रिया समीकरण दो में करना, और यही लगभग लगभग हर सवाल में करना है, इसलिए डरना नहीं है। x प्लस वाई इक्वल 10, और यहां पे x बराबर 0 रखेंगे, तो जैसे ही आप x बराबर 0 करोगे y बराबर 10 आएगा, और y बराबर 0 करोगे तो x इक्वल 10 आएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद इसका भी एक टेबल बना लेती है। अब यहां पर x और यहां पर y, x 0 y 10, y 0 x 10,
हमारी सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसका ग्राफ बनाना होता है, तो चलिए यहां पे ग्राफ बनाते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि ग्राफ बिल्कुल क्लियर बने हमारा। अब यहां पर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद एक्स की वैल्यू है 60 तक और वाई की वैल्यू है 20 तक, तो हम इसे 10 10 में डिवाइड कर लेते हैं। 10 20 30 40 50 60, चाहे तो आगे भी कर सकते हैं 70। इसे भी 10 में डिवाइड कर देते हैं। 10 20 30 40 50 60 70। अब यहां पे हम इन नंबर्स को लिख देंगे। देखिए बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं 10 20 30 40 50 60 70। यहां पे भी 10 20 30 40 50 60 70 और ये है हमारा 0.0 मूल बिंदु। ठीक है, अब पहली लाइन आपको ड्रॉ करनी है। पहली लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मार्कर का कलर बदल लें। हाँ ठीक है, अब देखिए एक्स जीरो है तो वाई 20 है, एक्स जीरो है तो वाई हमारा 20 है, यहां पर पहुंच गए, तो इसे लिखेंगे 0.20। ये पहला पॉइंट है और इसके रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट है एक्स 60 वाई 0, अर्थात हम यहां पर आ जाएंगे, ये से लिखेंगे 60.0 और इन दोनों लाइनों को हम ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉ करने के पश्चात हम एक दूसरे को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, एक लाइन हमारी ऐसे मिल गई। अब क्या है, एक्स 10 है और वाई भी 10 है, ये है 0.10। यहां पे आएंगे हम, ये होगा 0.10 और दूसरा क्या है 10.0, ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों को हम यहां से मिला देंगे और इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। अब जब इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया तो अब इसमें से हमें हल निकालने, तो पहले हमें चुनना होता है सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र चुनने के लिए अब यहां आइए, यही इसका सबसे अहम पॉइंट है। अब यहां पर बखूबी ध्यान देना है आपको, एक्स और वाई के मान 0 से बड़े होने चाहिए, अर्थात प्रथम चतुर्थांश के में आपको सारे मान लेने हैं। ठीक है, अब दूसरा कहता है एक्स प्लस 3y लेस देन 60, अगर इस रेखा के इस तरफ के मान आप लेंगे तो यह पहला समीकरण असंतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो मान होंगे वो 60 से बड़े हो जाएंगे। जैसे इधर का कोई मान हम ले लेते हैं, मान लो 0.30 आप चुनते हो, चलो जी हम 0.30 लेके देखते हैं क्या होगा। अब ये मान क्या है, किधर का है, इस रेखा के इस एरिए का है, बाहर की ओर का मान है प्रथम चतुर्थांश में। मान लो हम इसी पर एक पॉइंट चुन लेते हैं और ये पॉइंट होता है 0.30। अब आप इसको इसमें रखिए, तो जैसे ही पहले समीकरण में आप रखेंगे ये 0 हो गया, ये 30 90 हो गया, 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90। अब आप खुद बताइए क्या 90 60 से छोटा है, नहीं है, तो इसका मतलब हम इधर का मान इस तरफ का मान नहीं ले सकते। इस ये जो रेखा है ये जिस शर्त को प्रदर्शित कर रही है उस शर्त के लिए अंकों के मान नीचे की ओर के होने चाहिए, इधर के होने चाहिए, मतलब एक्स एक्स वाई एक्स और इस रेखा के बीच के मान होने चाहिए। चलो ठीक है, तो वो बीच का मान यहां से लेकर के पूरे इस ट्रायंगल तक है। अब ये मान क्या इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, देखिए इस समीकरण में क्या कह रहा है, ये जो दूसरी वाली रेखा है इस पहली वाली रेखा का जो इक्वेशन है वो है एक्स प्लस 3y लेस देन 60 और ये जो दूसरी वाली का इक्वेशन है ये है एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल लेस सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल 10। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर इससे नीचे के मान लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं, यहां पे 5 होगा, यहां भी 5 हो सकता है, तो मान लो एक्स एक्सिस पे कोई मान लेते हैं और वाई एक्सिस पे कोई मान ले लेते हैं, तो ये मान लो 5 लेते हैं 6 लेते हैं 10 से छोटा कोई भी पीछे की ओर का मान लेते हैं, तो ये क्या होगा 10 मान लो यहां 0 या 10 से छोटा ले लिया 9 प्लस 0 तो ये 9 हो गया, या फिर y को आपने 9 ले लिया x को 0 ले लिया तो ये टोटल मान 9 आया, तो क्या 9 10 से बड़ा है, नहीं,
तो भैया अगर ये ग्रेटर देन का साइन लगा हो तो उस रेखा के ऊपर की ओर का मान लेंगे, और अगर लेस देन लगा हो तो रेखा के नीचे का मान लेंगे। तो इसके लिए चाहिए ऊपर का मान और इसके लिए चाहिए नीचे का मान, तो कुल मिलाकर के हमारा जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो सुसंगत क्षेत्र ये बन गया, ये जो मैंने अभी ड्रॉ कर दिया, ये क्या बन गया हमारा सुसंगत क्षेत्र बन गया। अब इस सुसंगत क्षेत्र में कोणीय बिंदु निकालेंगे, कोणीय बिंदु, कोणीय, अब कोणीय बिंदु ये है 0,20, तब जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 3×0 ÷ 9×20 = 180। ये इधर नहीं दिखाई दे रहा है, हम नीचे लिख देते हैं = 180। ठीक है, अब दूसरा कोणीय बिंदु कौन सा है हमारा, 60,0। अब 60,0 लेते हैं तो z बराबर क्या आएगा, 3×60 + 9×0, तो लो भैया ये भी आ गया 180। तीसरा कोणीय बिंदु कौन सा है, 0,10, तो z बराबर क्या हो गया, 3×0 ÷ 9×10 = 90। और चौथा कोणीय बिंदु क्या है, 60,0, तो यहां z बराबर क्या मिल गया हमें, 3×60 ले तो चुके हैं, 10,0, तो ये हो गया 3×10 ÷ 0 = 30। तो भैया अब यहां पर सवाल हमारी सॉल्व हो गई, तो हम लिखेंगे दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 9y में अधिकतम मान 180 है हमारा, 180, क्योंकि यहां दो स्थानों पर 180 हमें मिल रहा है, तो हमारा जो अधिकतम मान हुआ वो 180 हुआ। अब यहां इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, इसका आंसर लिखेंगे निम्न व्यवरोधों या निम्न शर्तों के अंतर्गत जेड का अधिकतम मान बराबर 180, और मिल गए 8 नंबर। बस इतना ही करना है और आपके पक्के हो गए 8 नंबर। तो आओ इसको थोड़ा सा और रगड़ कर चमका देते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न शर्तों के अनुसार 9x + 12y ≤ 180, 3x + 4y ≤ 60, x + 3y ≤ 30। माने 9x और 12y का जो जोड़ है वो 180 से छोटा है या उसके बराबर है, 3x + 4y का जो जोड़ है वो 60 के बराबर या उससे छोटा है, या फिर x और 3y का जो योग है वो 30 के बराबर या छोटा है, जहां x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। तो यहां एक समस्या अलग से दिख रही होगी आपको कि यहां पे हमारे पास 3 समीकरण दिए हैं, तो आप इन 3 समीकरणों को भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये जो 2 समीकरण आपको दिए गए हैं ये 2 समीकरण सेम है, सिर्फ इसमें से 3 कॉमन ले लिया गया है। तो यहां पे इनके नाम पहले तो इनको नंबर दे देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, 1 और 2 सेम समीकरण होने की वजह से यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 समान है, अतः a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रेखाएं संपाती होगी, माने दोनों रेखाएं एक ही हैं, तो इसलिए हमें एक ही रेखा को ड्रॉ करना होगा क्योंकि हल समान होंगे। भाई दोनों की वैल्यू सेम है तो जब रखोगे तो हल भी समान आएगा। देखो बेटा ये 8 नंबर की सवाल है, बड़ी आसानी से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती है, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलो अब लेते हैं समीकरण 1 और 2 दोनों समान है, तो इसमें आपका यहां पे 3 कॉमन हो चुका है, तो समीकरण 2 से
अब समीकरण दो क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल यहां 60 करेगी। तो जब x इक्वल जीरो करेगी तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल जीरो करने पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और चार गुणे जीरो करेंगे यहां पे, तीन है तो तीन गुणे जीरो प्लस 4y बराबर 60। अब यहां पे 4y इक्वल 60 हो गया, देन y इक्वल 60 बाई 4 और यहां मिल गया 15। तो x 0 y 15 हो गया, y इक्वल 0 कर दो तो y इक्वल 0 जब आप करोगे यहां पर तो 3x इक्वल 60 आएगा, 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल 60, देन यहां पे x इक्वल 60 बाई 3 इक्वल 20 आ गया। तो यहां पे एक टेबल हम ड्रॉ करेंगे और इस टेबल में लिखेंगे x y और x की वैल्यू यहां पे हम जीरो लेंगे। तो जब x आपने जीरो लिया है उस समय y आपका आया है 15 और जब आपने x को y को जीरो लिया तो x 20 आया। तो एक रेखा के हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। अब समीकरण तीन से, जब समीकरण तीन को लेंगे तो यहां पे समीकरण तीन है x प्लस 3y इक्वल 30। अब यहां पे x इक्वल जीरो करेंगे तो ये 3y इक्वल 30 हो जाएगा और y इक्वल 10 मिल जाएगा। आगे वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे, फिर y इक्वल जीरो कर देंगे, y इक्वल जीरो करेंगे तो x इक्वल 30 मिल जाएगा सीधे सीधे। अब यहां पे भी एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ये टेबल होगी हमारी x y। अब x की वैल्यू जब आपने जीरो रखी है तो उस समय y 10 मिला है और जब y की वैल्यू जीरो रखी है तो x 30 मिला है। अब आ गया हमारा मूल पॉइंट ग्राफ ड्रॉ करना। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहां पे मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहां तक है, 30 तक है। तो हम यहां पे 10 लेते हैं, 20 लेते हैं और 30 लेते हैं, 10 20 30 और यहां पर भी 10 20 30। अब इन्हें ड्रॉ कर लिया। अब चलो पहला मान इस पे रखते हैं, 0 से 15 है तो x 0 है उस समय y 15 है, तो y 15 है तो कहां आएगा, यहां कहीं बीच में आएगा। तो और उसके बाद x 20 है y 0 है, ये यहां पे आएगा। अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरीके से लाइन हो गई, रेखा हो गई हमारी और ये बिंदु हम लिख देंगे 0, 15 और ये बिंदु लिखेंगे हम 20, 0। आप दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं, x 0 है देन y 10 है ये, और जब x 30 है तब y 0 है, तो x 30 है यहां पर है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ये ड्रॉ होगा, ठीक है। अब इसमें सुसंगत हल हमें चुनना है और सुसंगत हल चुनने से पहले एक काम और करना है, दोनों रेखाएं कहां काट रही है एक दूसरे को ये भी हमें पता करना है। ये हो गया 0, 10 और ये हो गया 30, 0। तो दोनों रेखाएं यहां पर जहां काट रही हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगर हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करें तो ये लाइनें हमें मिल जाएंगी। लेकिन अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करना चाह रहे हैं आप तो आप इसको रफ कार्य में यूज करिएगा, दोनों समीकरणों को आप हल कर दीजिए। जैसे आपका पहला समीकरण है, लीजिए 3x + 4y इक्वल 60, लेकिन इसे रफ में हल करिएगा, यहां मेन पेज पर आप मत करिएगा जहां पे सवाल सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन है x + 3y इक्वल 30, तो यहां पर आप क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन प्रतिस्थापन कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगर इसमें हम विलोपन यूज करते हैं तो पहला समीकरण है 3x + 4y इक्वल 60 और दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 3x + 9y इक्वल 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 90 हो जाएगा। अब यहां पे ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -5y इक्वल -30 आया, देन y इक्वल 6 हो गया। अब y इक्वल 6 हो गया किसी एक इक्वेशन में रखो तो आप x + 3y ले लेते हो, तो जब आप x + 3y ले लेते हो तो यहां पे y की जगह पे 6 रखो इक्वल 30, देन x इक्वल 30 - 18 तो ये क्या हो जाएगा आपका 12। तो आपको ये दूसरे कोणीय बिंदु मिल गए जहां पे ये कट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये हो गया 12, 6 और इसके इसको करने के बाद रफ कार्य में आप इसको कैंसिल कर दीजिए। इस तरीके से आपको सभी कोणीय बिंदु मिल गए। अब सभी कोणीय बिंदु मिलने के बाद एक हम भी रफ कार्य को यहां से हटा दे रहे हैं, ठीक है।
इस तरीके से हम सॉल्व करके कोणीय बिंदु प्राप्त कर लिए। अब ये जो कोणीय बिंदु है इनमें से कौन से चुनने हैं कौन से नहीं चुनने हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर हम 20 या 30 के बीच की कोई वैल्यू चुन लेते हैं, 25.0 लेते हैं, यहां पर देखें एक तो ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है, तो अब यहां पर सभी मान जो है वो लेस देन है, मतलब इस रेखा के नीचे का मान लेना है और इस रेखा के भी नीचे का मान लेना है, ठीक है। ये देखो लेस देन है मतलब 180 से छोटा होना चाहिए, तो ये जो हमारी पहली रेखा है ये आप देख रहे हैं, इस पहली रेखा के नीचे का मान लेना, पीछे की ओर का मान लेना, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, ये सारे मान इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। और दूसरी रेखा जो है हमारी नंबर तीन वाली, ये नंबर तीन वाली आपको बता रही कि हमें नीचे की ओर के सारे मान चाहिए, इधर के मान चाहिए, तो भैया इसको तो ये पूरे मान सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, लेकिन ये वाला मान इस वाली रेखा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे कि हम इसके नाम लिख लेते हैं, पहले ये है आपका 3x + 4y इक्वल 60, और ये वाली जो रेखा है ये दूसरी रेखा ये है x + 3y इक्वल 30। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए 3x + 4y का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, वो x + 3y को सेटिस्फाई नहीं करता है, और जो 3x + 4y इक्वल 60 वाला ये वाला एरिया है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम ऐसा मान चुने जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो भैया आप एक काम करो, आप बेटा इसको ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब ऐसे लाइन खींचो केवल जहां अलग अलग कलर से, देखो ध्यान देना ये इस लाइन के लिए हम नीले कलर से खींच रहे हैं, ये पूरा एरिया हमने यहां से यहां तक कवर कर लिया, ठीक है। और दूसरे के लिए आप रेड पेन से खींचो, ये एरिया हमने यहां कवर कर लिया। ये सारे काम रब में करना, नहीं चीटिंग होगी ये। अब यहां पर जहां डबल लाइनें काट रही हैं वो हमारा एरिया है, वो हमारा सुसंगत हल है, अर्थात बाकी की सिंगल लाइन वाले जितने भी यहां पे लाइनें खींची हैं उन्हें आप मिटा दीजिए, उन्हें आप हटा दीजिए। अब जितना एरिया डबल लाइन से कटा हुआ बच रहा है वो जिन जिन बिंदुओं द्वारा निर्मित हो रहा है वही आपके कोणीय बिंदु कहलाएंगे। तो यहां पर हमारा कोणीय बिंदु कौन कौन सा निकल कर आ रहा है, पहला तो ये आ रहा है 0.10, दूसरा ये निकल के आ रहा है 20.0, और तीसरा ये निकल के आ रहा है 12.6। अब चलो तीनों पे जेड निकालते हैं, तीनों पे हम यहां पे जेड निकालते हैं, तो जेड बराबर क्या है 8000x + 12000y, 8000x + 12000y, तो देखो पहले कोणीय बिंदु 0.10 पर क्या होगा, तो 0.10 पर होगा जेड इक्वल, पहली वैल्यू 0 हो गई, प्लस 12, 1, 2, 3 गुणे 10 बराबर कितना आया 1, 2, 3, 4 120000। दूसरा कोणीय बिंदु है 20.0, इस पे क्या होगा जेड इक्वल 20, तो 8000 गुणे 20 प्लस 0 बराबर कितना हो गया 1, 2, 3, 4 160000। तीसरा कोणीय बिंदु कौन हो गया 12.6, तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा 8000 × 12 प्लस 12000 × 6, अब 12 × 8 = 96 प्लस 12 × 6 = 72, तो अभी यहां पे क्या आया 0, 0, 0 और 6, 2, 8, 9, 7, 16। तो भैया 120000, 160000, 168000। अगर आपसे पूछे कि मिनिमम कितना है या आपसे पूछे मैक्सिमम कितना है, तो ये वैल्यू हो गई मिनिमम और ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम, चाहे जो पूछे वो बता दीजिए। तो 8 नंबर बहुत ही आसान है, आइए जल्दी से आगे हम एक क्वेश्चन और देखें।
तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तीन समीकरण इसमें मौजूद हैं। यहां पर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे तीन समीकरण है, तो पहले तो हम इनके लिए ड्रॉ करते हैं समीकरण एक से। थोड़ा आप तेजी से सीखेंगे आप, 4x + y > r, यहां पे इक्वालिटीज लेंगे केवल, इक्वल 80, x इक्वल 0 करेंगे तो y इक्वल 80 मिलेगा। यहां पे आप देख रहे हैं जैसे ही वैल्यू रखेंगे y 80 आ जाएगा, और y इक्वल 0 लेंगे तो 4x इक्वल 80 होगा, देन x इक्वल 20 हो जाएगा। अब यहां पे टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे एक साथ हम यहां पे समीकरण एक की टेबल यहां पे बना लेते हैं, फर्स्ट वाली टेबल, और ये टेबल है एक्स वाई, एक्स यहां पे 0 है, वाई 80 है, और वाई 0 है, एक्स 20 है, ठीक है। उसके बाद समीकरण दो लेते हैं हम, समीकरण दो से, समीकरण दो हो जाएगा 3x + 2y = 150। यहां पे आप देख रहे हैं एक बार ग्रेटर देन है, फिर लेस देन है, फिर ग्रेटर देन है। ये क्या करते हैं, ये बताते हैं हमें कि कैसे हमें अपनी रेखा को डिफाइन करना है, उसके किस तरफ के मान हमारे सुसंगत हल होंगे। तो x इक्वल 0 तो 2y = 150 हो जाएगा, देन y = 75, y इक्वल 0 देन 3x = 150 होगा, x इक्वल हो जाएगा 50। यहां पे दूसरी टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरी टेबल हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई, एक्स की वैल्यू यहां पे 0 है तो y 75 है, और y की वैल्यू 0 है तो x 50 है। अब लिखेंगे समीकरण तीन से, x + 5y = 150। तो यहां पे x इक्वल 0 देन 5y = 150 =, तो यहां पे y इक्वल हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 23, और y इक्वल 0 तो x इक्वल 115, ठीक है। अब यहां पे हम तीसरी टेबल अपनी ड्रॉ कर लेते हैं समीकरण तीन वाली, ये हो गया x, ये हो गया y, और यहां पे x 0 लिया तो y क्या है 23 है, और यहां पे y 0 लिया तो x क्या है 115 है, ठीक है। अब यहां पे हमें रेखा ड्रॉ करनी है, तो रेखा ड्रॉ करने के लिए हम बढ़िया ग्राफ यहां पे बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर 115 तक की वैल्यू है हमारी, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 20-20 की वैल्यू लेंगे, या 10-10 की भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100 और 120, चूंकि हमें 115 तक जाना है, ठीक है। तो यहां पे भी लेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। अब हम अपनी लाइनों को यहां पे ड्रॉ करते हैं, ये तीन लाइनें हमें बनानी है, आप देख रहे हैं टेबल हमारी ऊपर लगी हुई है। तो पहला माने 0, 80, तो ये आ गया आपका 0, 80, यहां पे मिल गया हमें। थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं इसको, 0, 80, ठीक है। दूसरी वैल्यू है 20, 0, तो x 20 है, 20, 0 हम यहां पर आ गए, ये हमारा 20, 0, ये पॉइंट है। तो पहले तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसको हमें ड्रॉ करना है यहां से, यहां पे स्केल लगाएंगे और इसे हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी गलत हो गई, इसे और अंदर से लेके आना है, यहां से इस तरीके से हमारी ये पहली लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। दूसरा है एक्स 0 है, वाई 75 है, तो 75 कहां आएंगे, 80 है, ये 70 है, और ये पॉइंट होगा हमारा 75 यहां पे, तो ये हो गया 0, 75,
यहां पे। अब इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या है, 50, 0, तो एक्स कहां, यहां आ जाएंगे हम 50, 0 पर। अब इन दोनों लाइनों को हम ड्रॉ करेंगे, तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे 50, 0 को ऐसे, ठीक है। ये दूसरी लाइन हो गई हमारी। अब तीसरी लाइन क्या है, एक्स 0 है, वाई 23 है, तो ये 20 है भैया, ये बीच में 30 होगा, तो यहां कहीं 23 होगा, तो बस अंदाजे से कर लेते हैं 0, 23। ये पहला पॉइंट मिल गया हमें यहां पे, और दूसरा क्या है 0, 115, 0, तो ये बीच में 110 होगा और यहां पे 115 होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 115, 0। तो चलो इसको अलग कलर से हम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमें यहां से यहां पहुंचना है। अब सीधी सी लाइन खींचनी है हमें, तो कुछ हमें इस तरीके से जाना है और यहां पर पहुंच गए, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास तीन लाइनें हैं, ठीक है, जो किससे किससे बनी है। ये पहली बनी हुई है समीकरण एक से, सब अपने अपने कलर से बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पहला किससे बना हुआ है, ये रेड वाला बना हुआ है 75 से है, तो ये 2 से बना हुआ है, ये 1 से बना हुआ है और ये 3 से बना हुआ है। अब आपको समझना है कि हमारा सुसंगत हल कौन होगा, ये 3 से बना हुआ है, सुसंगत हल कहां से मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस 4y > 80 जो पहला है, जो पहला है ये वाली लाइन, ये वाली पहली वाली लाइन, ये बीच वाली, ये कह रही कि हम इधर की वैल्यू को सुसंगत हल मानेंगे, बाहर की ओर की वैल्यू चाहिए, चलो ठीक है, इसके इधर की वैल्यू लेनी है। और ये जो दूसरा समीकरण है, दूसरा क्या कहता है, लेस देन, ये दूसरे समीकरण से जन्म लेने वाली जो रेखा है वो कहती है मुझे नीचे की वैल्यू चाहिए, अंदर की ओर की वैल्यू चाहिए, हम आगे वाली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चलो ठीक है, इसको भी मान लिया। अब ये जो तीसरी वाली वैल्यू है, तीसरा वाला समीकरण है, इस समीकरण को लेकर के जब हम रेखा बना रहे हैं x प्लस 5y, तो ये क्या कह रही है कि भैया हमें तो ऊपर की ओर की वैल्यू चाहिए, नीचे की ओर की चाहिए नहीं। तो अब इसके बीच में ऐसी वैल्यू का एरिया डिफाइन करो, यहां ये ग्राफ है आपका कार्तीय तल, इसके हर बिंदु का कोई ना कोई अंक होगा, तो आप ऐसा हल डिफाइन करो जो इन तीनों को संतुष्ट करता हो। तो फिर वही तरीका है कि आप अलग अलग तीन प्रकार की लाइनें खींचे, जहां पर तीन लाइनें आपस में काट रही हो, तो वैसे हम आपको बता दें कि ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो इतना सा एरिया है यहां बीच में, यही एरिया सुसंगत हल कहलाएगा। अब आपको देखिए कैसे डिफाइन किया मैंने, मैं आपको बता रहा हूं, इसके इधर का मान संतुष्ट करता है इसको, समीकरण 2 को, समीकरण 2 देखो यहां पे ये कह रहा है लेस देन है, माने इस लाइन से नीचे की ओर के मान से हल करेंगे, ये कहता है कि ऊपर की ओर वाला हमें चाहिए, तो चलो इसको ऊपर की ओर वाला दे दिए, इसको चाहिए ऊपर की ओर वाला, तो इसको भी ऊपर की ओर वाला दे रहे हैं, तो इसके बीच के जितने भी मान होंगे वो इन तीनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे, समझ में आया। अब यहां पर देखो अगर हम अपना लाइनों वाला प्रोसेस लगाते तो हम यहां पर क्या करते, इसको नीले रंग से ड्रॉ करते, ठीक है, इसको हम क्या करते रेड कलर से ड्रॉ करते ऐसे, और इसको क्या करते इसको हम ब्लैक कलर से ड्रॉ करते इस तरीके से ऊपर की ओर। अब किसको किधर का एरिया चाहिए, ऊपर का चाहिए, तो हम इसके लिए ऊपर का एरिया ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, इसको चाहिए अपने ऊपर का नीले कलर से। देखो ये क्या है, तीसरा समीकरण है, और तीसरा समीकरण क्या कह रहा है कि हमारा मान तो 115 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसको चाहिए ऊपर का, तो इसके लिए अगर हम ऊपर का ड्रॉ करें तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, इसको ऊपर का मान चाहिए ऐसे, ठीक है, यहां से भी चाहिए, हर जगह से इसको ऊपर का मान चाहिए ऐसे। अब ये जो रेड वाला है, रेड वाला किससे बना हुआ है, रेड वाला बना हुआ है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को क्या चाहिए, नीचे वाले मान चाहिए, ये क्या है लेस देन है, तो समीकरण 2 को नीचे वाला चाहिए, तो चलो भाई रेड वाला चलाना शुरू करो, इसको नीचे वाले मान चाहिए इधर के, इसको इधर के मान चाहिए। अब ब्लैक वाला किधर को कह रहा है, ब्लैक वाला किससे बना है, समीकरण 1 से बना है, तो समीकरण क्या 1 क्या कह रहा है कि हमें तो ऊपर वाला मान चाहिए, चलो तो ब्लैक लाइन के ऊपर की ओर चलते हैं। अब बेटा इसमें ऐसा एरिया बनाओ, यानी ऐसा एरिया बताओ जहां तीनों लाइनें एक साथ काट रही हैं,
तो तीनों लाइनें एक साथ काटने वाला एरिया ये बीच में देखो, यहां ब्लू भी है, ब्लैक भी है और रेड भी है, इधर केवल रेड है तो इधर केवल ब्लू है, समझ रहे हो ना, और इस लाइन के आगे केवल ब्लैक है, लेकिन ये बीच में जो इतना एरिया ट्रायंगल आ रहा है हमारा, ये हमारा सुसंगत हल है। तो ये तो आप समझ गए, अब इसको सॉल्व भी करना है, पूरा ग्राफ खराब करवा दिया हमारा तुम लोगों ने, अब इसको हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा सवाल को हल करने के लिए। वैसे तो हम मैथमेटिकली वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको ग्राफिकली करना है। तो यहां पे पहला बिंदु क्या था हमारा, पहले तो हमने ब्लैक से खींचा था 80 और 20, ठीक ये ऐसे आ गया, और दूसरा क्या था 23, ये ब्लू कलर से था, यहां से यहां ऐसे, और तीसरा क्या था 75 से 50 ऐसे, ठीक, और ये हमारा था सुसंगत हल। तो यहां पे बेटा तीन कोणीय बिंदु मिले, ये रेड वाला किससे बना हुआ, रेड वाला बना हुआ समीकरण 2 से, और ब्लैक वाला समीकरण 1 से, ये बना हुआ है 1 से, और ये ब्लू वाला बना हुआ है समीकरण 3 से, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कोणीय बिंदु ज्ञात करने हैं, यहां पे कौन कौन कोणीय बिंदु, ये वाला ये वाला ये वाला, बाकी से मतलब नहीं, हमें हमें ज्ञात करना है एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो आओ इसको ज्ञात करते हैं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे देखो, किसका किसका कटान चाहिए, तो ये दोनों कटान जो रहे वो किसके है, पहले और दूसरे के। तो आओ पहला और दूसरे को उठाओ यहां से, चलो 4x + y = 80 और 3x + 2y = 150। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले और दूसरे को जब हम हल करेंगे, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो पहले और दूसरे को जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमें पहले और दूसरे का कटान मिलेगा, पहला कोणीय बिंदु मिलेगा। तो यहां पर क्या करते हैं, समीकरण एक में दो से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80x + 2y = 160 और ये हो गया 3x + 2y = 150। अब यहां पे सॉल्व करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, और यहां पे आया 5x और यहां पे आया 10, ठीक है। तो x इक्वल कितना हो गया 10 by 5 = 2। अब किसी एक इक्वेशन में पहले रख दो, यहां पे रख दो, तो ये हो गया 4 × 2 = 80, तो ये y इक्वल क्या हो गया 70। अब इतना तो जानते हो, 4 × 2 = 8 ले जाके घटाए भागकर, तो पहला कोणीय बिंदु क्या मिला, x का मान 2 = 72, ये क्या मिल गया हमें 2 = 72। चलो अब दूसरा वाला पॉइंट कहां मिल रहा है, ये वाला, ये तो रेड पेन माने 2 और नीला पेन माने 3, तो 2 × 2 = 3 से, चलो 2 और 3 को उठाओ फटाफट, 3x + 2y = 150, x + 5y > यहां पे तो इक्वलिटीज ही चलेगी, = 115। अब ये भी बराबर नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, इसमें 3 से गुणा करो, तो इसको लिखो 3x + 15y = 5 × 15 = 1 और 3 × 3 = 4 × 3 = 3, ठीक है। और यहां लिखो 3x + 2y = 150। चलो अब माइनस 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 ये कैंसिल, और 12 में से 2 = 15 में से 2 = 13 y। अब यहां पे घटाओ 5 × 14 = 9 और यहां पे कितना बचा 1, तो y = 195/13, 13 × 13 = 65, y = 15। अब y = 15 किसी एक में लगाओ, 3x + 2 × 15 = 150, 15 × 2 = 30, 150 में घटाया कितना आया 120, तो 3x = 120, x = 40। तो चलो ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें, कौन सा, ये वाला पॉइंट 2 और 3 से, तो 2 और 3 का क्या मिल गया, यहां पे x हमारा आया है 40 और y है हमारा 15, तो x हो गया 40 = 15। तो इस तरीके से दो कोणीय बिंदु मिल गए, तीसरा और ले रहा है ये वाला, ये वाला, तो ये किससे मिल रहा है, 3 से और किससे, 1 से। तो चलो इधर आते हैं, ये सारे काम रफ में होंगे, ध्यान रहे समीकरण 3 व समीकरण 1 से, ग्राफ में आप ड्रा कर देना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोणीय बिंदु आपको मिल जाएंगे, लेकिन मूलतः हम ऐसे ही हल करते हैं। तो समीकरण 3 हो गया x + 5y
इक्वल 115 और यहां पे है 4x प्लस वाई इक्वल 80। तो यहां पे चाहे इसमें 4 से गुणा कर ले चाहे इसमें 5 से गुणा कर ले, तो इसमें चलो x प्लस 5y इक्वल 115 हो गया और इसमें 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5x 20 प्लस 5y बराबर 8×5=40, 400 हो गया। अब यहां पे से घटा लो भैया माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 20x में से 1x घट गया, 19x आया माइनस में, और अगर 400 से घटा लो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गए 8 और यहां बचा 3 में से 1 गए 2, तो x इक्वल ये भी माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 285/19, तो 19 और बचा 19×95। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू हमें तीसरा कोणीय बिंदु में मिल गया x इक्वल 15 और y की वैल्यू कितनी मिली हमें, अब रखेंगे तभी तो निकलेगा, अभी तो y निकाला ही नहीं हमने, y निकाल लेते हैं। तो पहले में रखो 15 प्लस 5y बराबर 115, ये 15 उधर ले जाके माइनस किए तो 5y बराबर 100, तो y बराबर 20 मिल गए सारे मान। तो y हमारा आ गया यहां पे 20 और x आया है 15, तो 15 का मान 20। तो तीन कोणीय बिंदु हमें मिल गए, तीन कोणीय बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब इन तीन कोणीय बिंदुओं के साथ हम z का प्रॉपर मान निकाल लेंगे कि कितने मान आते हैं, और यहां पर एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। ठीक है, तो चलो z निकालते हैं लास्ट में फाइनली। पहला अब कोणीय बिंदु यहां लिखेंगे, कोणीय बिंदु है 2, 72, 15, 20, 40, 15। तो चलो भाई 2, 72, तो z बराबर हो गया 6×2 = 3×72, ये आया 12 और प्लस 3×2=6, 7×3=21 जोड़ दिया, 6×2=8, 1×1=2, 228 हो गया। दूसरा है 15, 20, तो z बराबर मिला आपको 6×15 प्लस 3×20 बराबर हुआ 15×6=90 प्लस 20×3=60 इक्वल 150। तीसरा है हमारा 40, 15, तब निकलेगा z 6×40 प्लस 3×15 6×6=24 प्लस 15×3=45 बराबर 285। तो भैया ये समझ गए कि ये आया मैक्सिमम और ये आया मिनिमम। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देख लो 8 नंबर है बड़े सॉलिड, मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है, बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बिल्कुल सॉलिड नंबर मिलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, गलती होने की संभावना कम होती है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और एक क्वेश्चन और थे, तो चौथा क्वेश्चन हमारा टेक्निकल है, बड़ा है छोटा है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, तो आइए देखते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अनुसार z इक्वल x प्लस 2y का अधिकतम मान ज्ञात करो, और जो अवरोध हैं वो दिए गए हैं कि x प्लस y लेस देन 1 है और माइनस x प्लस y लेस देन 0 है और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो चलो समीकरण 1 को लेते हैं पहला, तो समीकरण 1 x प्लस y इक्वल 1 से, तो x इक्वल 0 करो तो y इक्वल 1 आ गया और y इक्वल 0 करो तो x इक्वल 1 आ गया। तो यहां पे टेबल बना ले x y और ये हो गया 0 1 1 0, चलो ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, माइनस x समीकरण 2 c माइनस x प्लस y इक्वल 0 करेंगे यहां पे तो x इक्वल y आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कोई भी टेबल बना लो आप, तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो x 0 तो y 0 और x 1 तो y 1, यहां पे x बराबर 0 तो y बराबर 0 होगा, x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 1 आएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है भैया, जो पहले आप x को दोगे वो y को मिल जाएगा, तो कोई बात ही नहीं।
तो चलो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बहुत ही अच्छी सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट हमारा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेते हैं इसमें। ये हो गया एक, ये हो गया दो, और यहां पे ये हो गया एक, ये हो गया दो। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो चलो पहली लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो एक्स जीरो है, वाई ये हो गया एक और एक, इनको आपस में मिला दें, और दूसरी रेखा का एक पॉइंट तो ये जीरो जीरो है, और एक्स एक है तो वाई एक है, एक्स एक है तो वाई एक है, ये यहां पे आ जाएगा, और इसे इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो दो समीकरण हो गए भैया हमारे, ये बना एक से और ये बना दो से। अब यहां पे समीकरण एक कहता है कि एक्स और वाई का मान एक से छोटा होना चाहिए, मतलब भैया मेरे जो वैल्यू हो इस ओर के हो उस तरफ के मत लेना, हम ग्रेटर देन वाली वैल्यू नहीं ले सकते, ग्रेटर वैल्यू नहीं ले सकते। और दूसरा कहता है कि एक्स बराबर वाई है, लेस देन जीरो है, मतलब यहां पे जीरो की ओर का ही मान चाहिए, तो भैया इधर नीचे की ओर का लेना, ऊपर की ओर का मत लेना। ठीक है, तो नीचे की ओर का लेना, अब इसमें इधर का लेना और इसमें नीचे की ओर का लेना, तो ये एरिया दोनों चाहते हैं, तो दोनों चाहते हैं, तो दोनों के लिए ये हो गया इनका सुसंगत हल। ठीक है, ये पूरा जो लाइनअप यहां पे बना दिया गया, ये इनका सुसंगत हल है इतना। तो अब यहां पर एक ये जो किनारे वाला बिंदु होता है तो मूल बिंदु होता है, जीरो कामा जीरो हो गया। अब इनके हम पॉइंट बना ले यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक कामा जीरो, जीरो कामा एक, ये बिंदु हो गया एक कामा जीरो, ये वाला फंसा। अब इसको क्या करेंगे, एक और दो को फटाफट हल कर लेंगे। तो यहां पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल वन है, और दूसरा क्या है, x बराबर वाई है, तब यहां पे रख दो मान भैया, तो x x 2x हो गया, तो बराबर एक, तो x बराबर एक बटे दो, और बराबर है तो y बराबर एक बटे दो, ये एक था और ये दो था। ठीक है, तो दो से यहां x बराबर वाई, तो y के स्थान पे x रख दिया, ये जोड़कर 2x हो गया, बराबर एक, तो x बराबर एक बटे दो, y बराबर एक बटे दो, तो दूसरा तीसरा कोणीय बिंदु हमें मिल गया एक बटे दो कामा एक बटे दो। ठीक है, अब देखो यहां पर इन वैल्यू को हम कहेंगे कोणीय बिंदु। तो अब कोणीय बिंदु कौन कौन से हमारे हो गए, एक हो गया एक बटे दो कामा एक बटे दो, तब निकालेंगे जेड बराबर एक्स प्लस टू वाई, तो यहां रखेंगे एक धन एक बटे दो धन दो गुणे एक बटे दो, तो दो से दो कट गया, अब यह हुआ एक बटे दो धन एक बराबर तीन बटे दो, यह निकल गया। दूसरा कोणीय बिंदु है एक कामा जीरो, तो भैया जेड बराबर एक धन दो गुणे जीरो बराबर एक। तीसरा कोणीय बिंदु है जीरो कामा जीरो, तो जीरो कामा जीरो पर जेड बराबर जीरो प्लस जीरो इक्वल जीरो। तो इस तरीके से हमने तीनों कोणीय बिंदु निकाल लिए, तो यहां पे जेड का जो अधिकतम मान आया, जेड का अधिकतम मान बराबर तीन बटे दो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, फिर भी इसका एक छोटा वीडियो हम इसके साथ और देंगे आपको, जिसमें इसकी रैखिक समस्याएं दी गई हैं, जिसमें ये असमिका संबंध आपको स्वतः बनाने पड़ते हैं, उसमें असमिका संबंध नहीं दिया रहता है, तो एक वीडियो उस पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल अशुद्धा चैप्टर होता है और आप यहां तक जल्दी पहुंचते नहीं है। ठीक है, तो आओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है, जैसे पिछले क्वेश्चन थे बिल्कुल उसी से मिलता जुलता बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आओ इसको एक बार रिपीट करके देख लेते हैं कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर क्या है आपका पहला जो हमें मिला हुआ है, तो यहां पे समीकरण एक सी, इसको नामकरण कर देते हैं एक और दो। ठीक है, तो टू एक्स प्लस वाई इक्वल एट। अब देखो एक ही लाइन में आप इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट में, देखो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसके आधार पर प्रैक्टिस करिए, लिखने की विधि आपको एग्जांपल में मिल जाती है, एग्जांपल में आप देख लो कितना कुछ लिखना है, इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक्स वाई आप एग्जाम में बैठ चुके हो, अब देखो एक्स जीरो किए तो वाई आठ मिल गया, ठीक है, और वाई जीरो किए तो एक्स चार मिल गया। चलो समीकरण दो से एक्स प्लस टू वाई इक्वल टेन, टेबल बना ली,
अब शॉर्ट में कर रहे हैं बेटा, एक्स वाई, एक्स जीरो तो वाई टेन, वाई जीरो एक्स जीरो तो वाई फाइव, और वाई जीरो तो एक्स टेन, दोनों इक्वेशन बन गई हमारे। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें आपको कंफ्यूजन बने हुए हैं, तो यहां पे हम दो दो का पार्ट ले लेते हैं, दो चार छ आठ, दो चार छ आठ। ठीक है, अब पहली लाइन ड्रॉ करते हैं, जीरो कामा आठ, जीरो कामा आठ ये पॉइंट है, और दूसरा है चार कामा जीरो ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला दें। ठीक, मिला दिए। अब ये समीकरण क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल आठ, मतलब ये कह रहा है कि भैया मुझे तो जो मान चाहिए वो इधर वाला चाहिए। ठीक है, मैं तो ग्रेटर देन हूं, मुझे तो उधर का मान चाहिए सब। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, x प्लस टू वाई इक्वल टेन, चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये कहता है कि x जीरो है तो y फाइव है, तो यहां कहीं बीच में मिलेगा, और ये क्या कह रहे हैं कि जब x y जीरो है तो x टेन है, थोड़ा सा और बढ़ा लो यहां पे लिख लो टेन, अब इसको मिला दो ये पॉइंट है, इसको मिला दिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि x प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल आठ, टू एक्स प्लस वाई का मान हमेशा आठ से बड़ा होना चाहिए, तो ये जो पहली लाइन है ये कह रही है कि भैया मुझे ऊपर का ही मान चाहिए, मैं तो नीचे वाला नहीं। ठीक है, दूसरी लाइन है x प्लस टू वाई ग्रेटर देन टेन, ये जो नीचे वाली लाइन है ये भी कह रहे हैं कि भैया मुझे तो ऊपर वाला ही मान चाहिए, हम नीचे वाला नहीं लेंगे, तो ये जनाब इधर का मांग रहे हैं, ये इधर की वैल्यू मांग रहे हैं। ठीक है, और दूसरे जनाब नीचे वाली लाइन ऊपर की वैल्यू मांग रहे हैं, इधर की वैल्यू, सॉरी ये यहां नहीं बनेगा, अब एरिया डिफाइन करो, कौन सा एरिया लेंगे, यहां पे कोणीय बिंदु ये क्या है आठ कामा जीरो, ओ सॉरी जीरो कामा आठ, ये क्या है जीरो कामा छ, ये क्या है दस कामा जीरो, ये क्या है चार कामा जीरो। ठीक है, अब देखो यहां पे कौन सा एरिया आप डिफाइन करने जा रहे हो, तो चलो हम बताते हैं आपको, दो लाइनें कहां कहां टच कर रही हैं इधर, तो दोनों रेखाएं कह रही हैं भैया मुझे इधर वाला चाहिए, इसके नीचे वाला नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर के जितने भी बिंदु हैं जितने भी हल मिलेंगे सब सुसंगत हल होंगे, तो ये जहां पे कैंसिल कर रही है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है वहां पे उसको निकाल लो एक व दो से, अब यहां से एक व दो उठा लो तो ये हो गया दो एक्स धन वाई बराबर आठ, और दूसरा है एक्स प्लस टू वाई बराबर दस। अब पहला देखो चाहे एक्स बराबर कर लो चाहे वाई बराबर कर लो, तो अगर एक्स वाई बराबर करने हैं तो एक्स में दो से गुणा कर लो वो समीकरण एक्स में, तो ये हो गया चार एक्स धन दो वाई बराबर सोलह आ गया यहां पर, और दूसरा क्या है एक्स प्लस टू वाई बराबर दस है, अब यहां पर माइनस कर लो घटा लो इसको तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया तीन एक्स, और अगर क्या आया छह, तो एक्स बराबर आ गया दो, अब एक्स बराबर दो आ गया किसी में उठा के रख दो, तो दो गुणे दो धन वाई बराबर आठ, तो वाई बराबर आ गया चार। ठीक है, दो दोनों चार उधर ले जाके घटा लिए तो ये तुम्हें मिल गया दो कामा चार। ठीक है, तो हमारे पास तीन कोणीय बिंदु आ गए, तो कोणीय बिंदु हम यहां लिखेंगे, पहला है जीरो कामा आठ, दूसरा आया दो कामा चार, और तीसरा है हमारा लास्ट वाला दस कामा जीरो। तो अब चलो यहां पे निकाल लेते हैं जेड इक्वल जीरो कामा आठ पे, जेड इक्वल हो गया पचास एक्स प्लस सत्तर वाई, तो जेड बराबर हो गया जीरो प्लस सात गुड़े सत्तर गुड़े आठ, तो सात अठे छप्पन पांच सौ साठ। ठीक है, और दूसरा हो गया दो कामा चार पर, तो दो कामा चार पे करोगे तो जेड बराबर होगा पांच पचास गुड़े दो धन सत्तर गुड़े चार, तो ये हो गया सौ, और सात चौक अट्ठाईस दो सौ अस्सी बराबर तीन सौ अस्सी। तीसरा और बचा हमारा दस कामा जीरो, ठीक है तो यहां निकाल लो दस कामा जीरो, तो दस कामा जीरो तो जेड बराबर का हो जाएगा पचास गुड़े दस धन जीरो बराबर पांच सौ। अब देख लो क्या कौन सा इसमें अधिकतम आ रहा है,
ठीक है, और कौन सा न्यूनतम आ रहा है। तो आपसे पूछा क्या था, न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान पूछा है तो बेटा 380 आपका न्यूनतम मान हो गया। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो कि 380 हमारा न्यूनतम मान है, ये आपका न्यूनतम मान। तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है और उम्मीद है आप बढ़िया करेंगे। तो इसी तरीके से हर वीडियो में, हर क्लास में हम 8 नंबर 5 नंबर पहले कलेक्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले 10 वीडियो में हम अर्धशतक के करीब होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी कल नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स की।